वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आप देख सकते हैं ग्रेटेड गाजर है यानी कि कैरेट है। आप सबका हम सबका सबसे फेवरेट हलवा जो होता है वो गाजर का ही होता है। तो चलिए आज बनाते हैं गाजर का हलवा, लेट्स गो। तो देरी ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं वो भी मम्मी के साथ। हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा यानी कि सर्दियों का। हमने इसको गाजर को अच्छी तरह धो के साफ करके घिस के हमने इसको बॉइल करने के लिए रख दिया। 5 मिनट बॉईल हो जाएगी फिर इसमें हम डालेंगे दूध। सो गाइस इसको रखे हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और देख सकते हैं आप इसको टाइम टू टाइम इसको चलाना बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना ये नीचे लग सकता है और हमारा हलवा खराब हो जाएगा। इसलिए इसका केयरफुली से ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। कुक करेंगे अच्छे से जब तक इसका पानी पूरा जल नहीं जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी गाजर गल चुकी है बढ़िया सी। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। 3 कप हमने चीनी डाल दी यानी कि 3 पाव, 5 किलो गाजर में 3 पाव चीनी, 3 कप बड़ा, 3 कप 1 पाव वाला हमने चीनी डाल दी है। अब इसको हम थोड़ी देर पकने देंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा दूध, तो बनता है हम इसमें करीब डाल देंगे 3 पाव दूध। ये हमने इसमें दूध भी ऐड कर दिया है, अभी हमारा अभी पकेगा। ये इसमें महक आ रही है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर। अब हमारी चीनी थोड़ी पिघल जाएगी, इसका पानी भी खुश होंगे, धीरे धीरे अभी पकेगा। हमने 1 कप देसी घी ले लिया है, अब ये भूनने पे आ गया इसलिए अब हम इसमें घी डालेंगे, फिर घी डाल के इसमें फिर भूनेंगे। हमारा 1 कप देसी घी है यानी कि 250 ग्राम, क्योंकि 5 किलो गाजर थी, 5 किलो गाजर में हमने 3 कप हमने चीनी डाली है और 1 कप घी डाला है भर के। हाँ ये देखिए, ये हमारे थोड़े से ड्राई फ्रूट हैं जो हम इसके अंदर डालेंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें डालिएगा जितना आपको खाना हो। आपको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डालिए, कम पसंद है कम डालिए। खूब अच्छी तरह इसे भून लेना है, बिल्कुल जैसे हलवाई जैसा हलवा आपको गाजर का मिलेगा देसी घी का। हमें जिसमें डालने जा रहे हैं ड्राई फ्रूट, थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा बचा लेंगे गार्निश के लिए, थोड़ी देर भूनेंगे। ठीक है, हम इसमें खोया भी ऐड कर देंगे। आप खोया भी अपने हिसाब से डालिए, आपको जितना खाना आप उतना डालिए, कम ज़्यादा। हमें भून लेना बढ़िया सा, भूनना बढ़िया है, खूब जैसे आप भूनोगे वैसे ही बढ़िया होगा। तो स्वाद ही भूनने से आता है, गाजर के हलवे की तो बात ही अलग है भाई, क्या खुशबू क्या बहक आ रही है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा केवड़ा। देखिए अब हम इसमें डालने जा रहे हैं खुशबू के लिए थोड़ा केवड़ा, और थोड़ा सा ऐड कर देंगे। हाँ तो देखिए ये हमारा खूब बढ़िया हलवे की भुनाई कर ली है। इसमें पानी देखिए आप ऐसे करके ये देखिएगा, जब आपको इसमें पानी ना दिखे तो समझ लीजिएगा ये हमारा बढ़िया सा भुन चुका है। देखिए अब इसमें पानी नहीं छोड़ रहा है यानी कि ये हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका, भुन चुका है और गर्म गर्म परोसिए और खाइए। आप घर में बनाइए और बढ़िया सा सर्व करिए और खाइए। सो गाइस हमारा गाजर का हलवा, माय फेवरेट गाजर का हलवा बन के रेडी हो गया है। तो प्लीज़ इसको ट्राई करना बिल्कुल कतई ना भूलिएगा। तो गाइस इंतज़ार किस बात का है, फटाफट जाइए मार्केट से गाजर लेकर आइए और बस हलवा बना लीजिए नए साल के लिए। तो गाइस मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और गाइस ये इस नए साल में जब हम एंट्री करेंगे 2021 में, आई होप हम
कोरोना को अपने साथ लेकर ना जाएं। तो गाइज इसी उम्मीद के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। आई होप आप अच्छे से अपना न्यू ईयर इन्जॉय करेंगे, आने वाले साल को अच्छे से वेलकम करेंगे। तो गाइज मिलते हैं अगले साल में, जब तक के लिए बाय बाय। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।